आज हम LHB कोच में मोबाइल चार्जिंग DC कैसे किया जाए वो सीखेंगे। देखेंगे मोबाइल चार्जिंग DC कैसे करें। जब कोच में AC सप्लाई से मोबाइल चार्जिंग काम नहीं करे तो हम DC कैसे करें। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अमरजीत इधर आइए, कैमरा लेके इधर आइए। देखिए ये मोबाइल चार्जिंग काम नहीं कर रहा है, AC सप्लाई से मोबाइल चार्जिंग काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम DC सप्लाई 110 डीसी देंगे और चालू करेंगे। इधर भी काम नहीं कर रहा है, अब 110 वोल्ट DC दे के हम इसे कैसे मोबाइल चार्जिंग को चालू करेंगे ये देखना है। उठाइए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये मोबाइल चार्जिंग DC के लिए AC सप्लाई के लिए ये MCB है और ये है फेज 1, 2, 3 है, ये तीनों RYB फेज है। ये न्यूट्रल के लिए रहता है, ये तीनों तार तो न्यूट्रल के लिए रहता है, तो ये तीनों फेज में हमें पॉजिटिव देना है। यहाँ से ये इसको SPM बोलते हैं, यहाँ से या यहाँ से हम एक तार उठा के इस तीनों में देंगे पॉजिटिव, और निगेटिव यहाँ से उठा के न्यूट्रल में दे देंगे, मोबाइल चार्जिंग काम करने लगेगा। लेकिन उससे पहले हमको सुरक्षा सावधानी ये लेना है, MCB ऑफ कर देना है और मोबाइल चार्जिंग का स्विच इसको ऑफ करेंगे और इस चारों को खोल के टेप हम करेंगे। सबसे पहले इसको हम खोल के टेप करेंगे, उसके बाद इसमें सप्लाई देंगे। चारों को टेप कर रहे हैं, अच्छे से टेप करने के बाद अलग अलग टेप करना है, एक साथ टेप नहीं करना है। चारों तार हमारा टेप हो गया। अब टेप होने के बाद ये तीनों में हमको DC पॉजिटिव देना है, इसमें न्यूट्रल देना है, मोबाइल चार्जिंग हमारा काम करने लगेगा। जैसे कि देख सकते हैं, पहले सप्लाई हम कहाँ से लेंगे वहाँ से देख लेंगे, एक बार चेक करेंगे। यहाँ सप्लाई आ रहा है, न्यूट्रल यहाँ से लेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ से लेंगे, ठीक है। एक तार यहाँ लेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे हम लगा लिए, पॉजिटिव लगा लिए। इस तार को ऐसे निकालते हुए हम नीचे से इसमें लगा देंगे सेफ्टी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं लगाना है, इसको नट खोल के लगाना है। ये हो गया हमारा, अब न्यूट्रल देंगे। निगेटिव तार हम यहाँ दे दिए और यहाँ से निकालते हुए हम ऊपर लाएंगे न्यूट्रल को तार को, और यहाँ देंगे हम, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। निगेटिव को निगेटिव में, हाँ न्यूट्रल को निगेटिव में, न्यूट्रल को निगेटिव में, तीनों फेज को हम DC 110 वोल्ट पॉजिटिव दे देंगे। इसमें दोनों में दे सकते, दोनों यहाँ पे कहीं भी, ये निगेटिव है, यहाँ नीचे भी दे सकते हैं, तार छोटा होता है यहाँ दे दीजिए। ऊपर इसलिए देते हैं कहीं कुछ शॉर्ट लगे तो हमारा ये फ्यूज खराब हो जाए, नीचे अंडर गियर का फ्यूज नहीं खराब हो, इसलिए हम हमेशा ऊपर से सप्लाई लेने की कोशिश करेंगे। नीचे से ले सकते हैं लेकिन कोशिश रहेगा ऊपर से सप्लाई लेने। अब हमारा मोबाइल चार्जिंग DC कंप्लीट हो गया, इधर से हम दे दिए निगेटिव यहाँ पे और इधर से पॉजिटिव यहाँ से दे दिए। अब क्या करेंगे, फेज में हमारा सप्लाई सिर्फ इसमें गया है और इस दोनों में तो गया नहीं, तो तुरंत एक फ्यूज वायर निकालेंगे, ऐसा वाला फ्यूज वायर निकालेंगे और फ्यूज वायर से हम बाईपास करा देंगे। अब देखते हैं हम लोग हमारा DC कहाँ तक सही हुआ है कहाँ तक नहीं हुआ है। अब ऑन किए, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सप्लाई आया कि नहीं। देखिए सप्लाई आ चुका है, तीनों में आ चुका है मतलब मेरा कोच में भी चला गया होगा। अब आइए कोच में देखते हैं। आइए हम लोग, यहाँ पर पहले सप्लाई आ नहीं रहा था, अब आ गया यहाँ पे जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आ गया सप्लाई, और आइए कोच में आ जाइए, एक दो जगह चेक करवा दें। कोच में मोबाइल चार्जिंग DC हमारा सफलतापूर्वक हो गया है।
अब सवाल ये है, यहाँ पे न्यूट्रल के लिए एक ही है और फेज के लिए तीन तीन क्यों है? तो एलएचबी में ये सिस्टम दिया गया है, तीन फेज इसलिए दिया गया है, एक फेज से एक साइड का देता है, दूसरे फेज से दूसरे साइड का। या ऐसा भी हो सकता है एक फेज से जिग जैग करके दे दे, फिर दूसरे फेज से जिग जैग करके दे दे, और तीनों फेज अलग अलग देता है लोड बैलेंस करने के लिए। तीनों फेज अगर कोच में जब भी रेल मारता है मोबाइल चार्जिंग डीसी का, तो हम पहले ये पता करने की कोशिश करेंगे मोबाइल चार्जिंग कोच का एक खराब है या पूरे कोच का खराब है। एक खराब रहेगा तो उसको ठीक करेंगे, पूरे कोच का खराब रहेगा तो यहाँ पे आएंगे देखेंगे। और यदि कोच का एक साइड का खराब हो तो यहाँ ये कैमरा लेके, एक साइड का खराब हो तो हो सकता है ये फ्यूज या ये फ्यूज या ये फ्यूज कोई एक ही फ्यूज उड़ा होगा एचआर से, और कोच का दो एक साइड का ठीक हो और एक साइड का जिग जैग खराब हो तो हो सकता है एक फ्यूज उड़ा हो। तो इस फ्यूज को चेक करेंगे, फ्यूज को हम नया बदलेंगे या बाईपास करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अभी हम डीसी सिर्फ सीखने के लिए किए थे और अभी फिर इसको हम एसी सप्लाई पे करेंगे।